तो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ट्रेन संख्या 22, 21 और 29 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइमिंग क्या है, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है और किस क्लास में आप टिकट लेंगे तो कितना किराया लगेगा, फिर पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी दूंगा। दोस्तों एक हमारे व्यूवर्स हैं और उन्होंने कॉमेंट किया था कि आप तुलसी एक्सप्रेस के ऊपर वीडियो बनाइए और इसलिए मैं इस ट्रेन को कवर कर रहा हूँ। अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। दोस्तों इस ट्रेन की डिटेल्स की हम बात करें तो ट्रेन संख्या 22, 129 तुलसी एक्सप्रेस ट्रेन है और ये ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज के लिए चलाई जाती है जो कि इलाहाबाद के। दोस्तों ये गाड़ी अपने यात्रा के दौरान 24 स्टेशनों पर ठहराव लेती है और 26 घंटा 45 मिनट में ये ट्रेन 1517 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये ट्रेन भोपाल के रास्ते चलाई जाती है, इसलिए इस ट्रेन के थोड़ा ज़्यादा स्टॉप हो जाते हैं और ये ट्रेन सप्ताह में केवल 2 दिन चलती है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज जंक्शन के लिए, पहला मंगलवार और दूसरा रविवार। दोस्तों ये गाड़ी लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह 6 बजे रवाना होती है और अपने यात्रा को तय करते हुए ये गाड़ी 8:45 पे पहुंचाती है प्रयागराज जंक्शन में। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन में कोटा सभी प्रकार के दिए जाते हैं। कोच की बात करें तो टोटल 22 कोच दिए जाते हैं जिसमें आपको 2 सीटिंग, 3 पर, 3 इकोनॉमी, 3 टीयर और 2 टीयर की सुविधा दी जाती है। इस ट्रेन में दोस्तों अगर हम किराए की बात करें तो आप टिकट लेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनस से प्रयागराज के लिए तुलसी एक्सप्रेस में तो 2 सीटिंग जनरल में आपको पड़ेगा 395 रुपये, स्लीपर में आपको 655 रुपये और 3 इकोनॉमी में 1615 रुपये का किराया लगेगा। तो वहीं 3 टीयर में 1715 रुपये और 2 टीयर में 2465 रुपये का किराया लगने वाला। यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन के जो टोटल 24 स्टॉप दिए जाते हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी मैं आपको टाइम के साथ में दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बोलिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन के स्टॉप की डिटेल्स को। सो दोस्तों तुलसी एक्सप्रेस 22, 129 अपने निर्धारित समय लोकमान्य तिलक टर्मिनस से सुबह 6 बजे रवाना होती है और यहां से निकलने के बाद इस ट्रेन का 2 नंबर स्टॉप आता है थाने। थाने में गाड़ी 6:18 पहुंचती है, 2 मिनट यहां पे ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद ये ट्रेन ठहराव लेती है कल्याण में जो कि इस ट्रेन का 3 नंबर स्टॉप आ जाता है और ट्रेन यहाँ पे 6:37 पे पहुँचती है। यहाँ पे ये गाड़ी 3 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है तो पहुँचती है नासिक रोड। नासिक में ट्रेन की टाइमिंग 9:05 हो जाती है और यहाँ पे ये गाड़ी 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है तो पहुँचती है मनमाड़ और मनमाड़ में ट्रेन की टाइमिंग 10:05 होती है। ट्रेन यहाँ पे 10 बजे पहुँचती है, 10:05 पे रवाना होती है और यहाँ पे ये गाड़ी 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है भुसावल और भुसावल इस ट्रेन का 6 नंबर स्टॉप आता है। ट्रेन 12:30 पे पहुँचती है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। इस ट्रेन को यहाँ पे 6.5 घंटे पूरे होते हैं और गाड़ी यहाँ पे 429 किलोमीटर की दूरी तय करती है 6.5 घंटे में। ट्रेन जब भुसावल से रवाना होती है तो पहुंचती है बुरहानपुर। इस ट्रेन का 1:23 पे स्टॉप आता है और बुरहानपुर में ये गाड़ी 2 मिनट ठहराव लेती है, फिर अपने सफ़र के लिए रवाना होती है तो पहुंचती है खंडवा। खंडवा में ट्रेन की टाइमिंग दिन में 3:17 होती है और यहाँ पर ट्रेन 3 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है ये हरदा। हरदा में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है दोस्तों शाम को 4:32, यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव देती है, फिर पहुँचती है टिमरनी और टिमरनी इस ट्रेन का 10 नंबर स्टॉप आता है और गाड़ी यहाँ पे शाम को 4:48 पे पहुँचती है, 2 मिनट यहाँ पे ठहराव लेती है। इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है इटारसी जंक्शन और इटारसी जंक्शन में ट्रेन की टाइमिंग शाम को 5:55 होती है, यहाँ पर गाड़ी 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है। इटारसी तक ये ट्रेन 736 किलोमीटर की दूरी तय करती है और यहीं से ये ट्रेन दोस्तों भोपाल वाले रूट पे कट जाती है। इस ट्रेन के सतना वगैरह स्टॉप नहीं आते हैं। जब ट्रेन इटारसी से रवाना होती है तो पहुंचती है रानी कमलापति और ट्रेन की टाइमिंग शाम को 7:28 होता है और यहाँ पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है, फिर पहुँचती है भोपाल और भोपाल इस ट्रेन का
13 नंबर स्टॉप होता है। गाड़ी की टाइमिंग शाम को 7:50 होती है। यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और भोपाल तक 134 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भोपाल के बाद इस ट्रेन का बीना जंक्शन स्टॉप आता है और गाड़ी की टाइमिंग रात को 9:48 होती है। यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है। 972 किलोमीटर की दूरी यहाँ तक ये ट्रेन तय करती है और फिर पहुँचती है ललितपुर। ललितपुर में दोस्तों इस ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 10:32 और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और ललितपुर तक 1035 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों जब ये गाड़ी ललितपुर से रवाना होती है तो इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है वीर लक्ष्मीबाई और ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है रात को 12:02 और यहाँ से इस ट्रेन का दूसरा दिन स्टार्ट होता है। ट्रेन यहाँ तक 1125 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसके बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 17 नंबर मऊ रानीपुर। मऊ रानीपुर में गाड़ी की टाइमिंग 1:04 हो जाती है रात को। यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है फिर पहुँचती है हरपालपुर। गाड़ी की टाइमिंग 1:28 यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है पहुँचती है अगले स्टॉप महोबा जंक्शन। महोबा में गाड़ी की टाइमिंग 3 बजे और यहाँ पे ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है फिर पहुँचती है बांदा। बांदा में ट्रेन की टाइमिंग 4:20 हो जाती है और यहाँ पे ट्रेन 5 मिनट के लिए ठहराव लेती है और बांदा तक 1316 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बांदा के बाद इस ट्रेन का अगला स्टॉप आता है 21 नंबर अतरा और अतरा में गाड़ी की टाइमिंग 4:49 होती है। ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है चित्रकूट धाम और चित्रकूट धाम में ट्रेन की टाइमिंग 5:17 हो जाती है सुबह सुबह और ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट के लिए ठहराव लेती है फिर पहुँचती है मानिकपुर और मानिकपुर में ट्रेन की टाइमिंग 6:30 हो जाती है। तो दोस्तों फिर से ये ट्रेन मानिकपुर सतना वाले रूट पे आ जाती है और ट्रेन यहाँ पे 6:30 पर पहुँचती है 5 मिनट ठहराव लेती है और फिर इस ट्रेन का लास्ट स्टॉप आता है प्रयागराज जंक्शन। गाड़ी 8:45 पर पहुँचती है प्रयागराज जंक्शन में। टोटल ये ट्रेन दोस्तों 1517 किलोमीटर की दूरी 26:45 में तय करती है। तो दोस्तों जिस तरह हमने आपको यहाँ पे ट्रेन संख्या 22129 तुलसी एक्सप्रेस के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।